जदि पेन होची ताहाले पेन क्लिनिक को आपण काहे के जिबे पेन गोटे रोग नुह पेन होची लक्षण गोटे अन्य किछि रोगर निज पेन को केबे भी इग्नोर करंतु खाली से हम इंजुरी नुह ता सहित ब्रेन नर्व सब इन्वॉल्व हो जाय ता भितरे कारण तो डायबिटीज अछि हाई बीपी अछि बा हार्ट पेशेंट अछंती पेन किलर उडा को हम बहुत दिन रु प्लेन किलर बोली कहि आइछे नॉर्मल पेशेंट को तो छाड़ दियंतु जहारो अन्य डिजीज अछि समान को पई विषय हे सब समस्त नमस्कार ओडिशार प्रथम हेल्थ पॉडकास्ट को स्वागत करुच्छी मु ऋतुपर्णा दर्शक बंधु आमर जितेबले भी पेन आरंभ हुए बॉडी रे आमे प्रथमे निश्चय घरै टुटका तार चिकित्सा करू मलम लगाओ बरफ लगाओ गरम पानी लगाओ आ जदि सांगे सांगे ठीक न हुए ताहले पेन किलर एनफ किंतु डे बाय डे सेटा आमर गोटे हैबिट हबारे लागी जाए आउ ये हैबिट इन फ्यूचर आमको बहुत बड़ विपदर पकाए हेल्थ रो एमिती गोटे डिजीज आरंभ हो जाए जहाँ आम जान भी न था कि पेन किलर खाइबापी ही है तो पेन क्लिनिक एक्चुअली कौन जदि पेन होची ताहले पेन क्लिनिक को आपड़ कहीं जी एक्चुअली आपणकर सेठी गले बेनिफिट कौन हम इस सब विषय आज आम पुंखानुपुंख भाव चर्चा करवा कहीं आज आम सहित अच्छा ओडिशार वेल नोन पेन फिजिशियन सनसाइन हॉस्पिटल रु डॉक्टर प्रत्युष कुमार त्रिपाठी सर चलतु वेलकम करवा सर नमस्कार वेलकम टू आर शो सर प्रथम कथा पेन क्लिनिक कौन आउ को प्रकार रोगी मैंने सेठिक आसती चिकित्सा हाँपाई पेन क्लिनिक हूँ गोटे जगह गोटे गोटे हेल्थ केयर फैसिलिटी जोटि आम नॉर्मली क्रोनिक पेन पेन रो ट्रीटमेंट करुचु क्रोनिक पेन कौन क्रोनिक पेन हूँ जो पेन आमर मोर देन सिक्स मंथ्स जाए ठीक हो कंटिन्यू हो चलिए आप पेन हो चलिए छः मस ठीक होनी से सबू पेन को कह जाए क्रोनिक पेन से सबू रिटमेंट पेन क्लिनिक जिनसा स्टार्ट हो आम सर जमी जाने किसी भी पेन ह्यूमन टेंडेंसी आम गोटे पेन क्लीयर क्लीयर खाई दबा एंड वी आर रेडी टू गो तो जो पेन क्लिनिक को कहीं आसो देखो यहाँ गोटे बहुत भूल जिनस लोकर अच्छी जे पेन है क्या कनसल्ट न करके जा मेडिसीन दुकान रू कि खाई दौरान दौरान तो से जिनस हूँ किसी परीक्षा निरीक्षा नहीं आम जापार नहीं एक्जाक्ट कजटा कौन पेसेंटर कौथिपाई पेन होउची प्लस से मेडिसिन जो दिया होउची सबू जिनसर साइड इफेक्ट अच्छी कौ पेसेंट को कौन दिया उचित कौन दिया उचित नुह से सबू के पचारूनी तो सही गोटे भूल जिनस अदरवैज आम कौन करुचु फास्ट गोटे पाखे किए डक्टर अच्छा आम पाक जा पचारे सर ये जिनसा पेन हो कौन कर सी मेडिसिन दिखती आम खाऊ कितु जदि गोटे पेसेंट पेन मेडिसिन खाइलापर भी पाँच दिन सात दिन है पेन कमुना देन से इमीडिएटली से माने पेन क्लिनिक को आसीबा दरकार ओके तो एटा गोटे माने गोटे साइन बोली आमे धरे आज्ञा आज्ञा सेकंड जेंस होला धरंतु किछि पेन अछि जोटा आमे मेडिसिन खाउचे कंट्रोल हे जाउचे कमी जाउचे किंतु मेडिसिन बंद होला पर पुनी स्टार्ट हे जाउचे से 5 मास 6 मास बरसे जाय पेन होउचे लोक सेडा धरे के बोलु चंदी पेन धरे के कहउ चंदी प्रॉब्लम अछि ठीक होउने तो ए सब जिंस क्रोनिक पेन को ऑलरेडी कन्वर्ट हो सारे ठीक अच्छे जदि एक्यूट पेन ठीक से ट्रीटमेंट होना तो बहुत केस क्रोनिक पेन हो जाए और क्रोनिक पेन ट्रीटमेंट से डिफिकल्ट एक्यूट स्टेज रे करवाटा इजी जिनस तो से पेसेंट भी आसवा दरकार नेक्स्ट जिनस हूँ आम कैंसर पेसेंट जिते अच्छा कैंसर पेसेंट को जदि पेन हो तो इमिडिएटली से पेन क्लिनिक को आसवा दरकार बहुत मात्र कैंसर पेन रघव हो पार देन आउ गोटे मेजर ग्रुप अच्छा आमर जमीक जो मैंने विथ बहुत सारा डिजीज कोमोरबिडिटी अच्छा देखो जनकर हाइपरटेंशन अच्छी डायबिटीज अच्छी हार्ट डिजीज अच्छी एम को पेनटा बेसी हार्म करे कहीं जन को पेन हो ब्लड प्रेशर मेडिसिन खाइले भी ता ब्लड प्रेशर कंट्रोल रही ब्लड सुगर कंट्रोल करवा बहुत कष्ट आपन जानते हार्ट पेसेंट को पेन हो हार्ट रेट ब्लड प्रेशर बढ़ी रोचे से हार्ट डिजीज को बढ़ेबा ही बढ़ेबा तो ए ग्रुप ऑफ पेशेंट इमीडिएटली पेन क्लिनिक को आसवा दरकार जिते बेले भी लगुच कि पेनटा मोर बेसी होउची किंबा पेनटा कंट्रोल होना
लोक केमती जानवे कि ना मत एक्चुअली कौन से ऑर्थोपेडिक्स को जबार ना मत पेन क्लिनिक को ही जबार अच्छे बिकज लोक बहुत कन्फ्यूज था आम एबी चाहिए कि लोकों भितर से अवेयरनेस गोटे हो कि आपंकर किसी भी पेन है आप डायरेक्ट टू मानने पेन क्लिनिक को जवा दरकार मेडिकल लाइन रे एमती नुह जे पेन मेडिसिन मु पेन ट्रीटमेंट करुच्ची मानते मुझे एका सब करदेवि जदि आम पाक आसला आमको लगुच कि यहाँ ऑर्थोपेडिक्स जाइले बेटर होता तो आम रेफर करदेव ठीक अच्छे तो सेमती किसी ना जे ओनली या पाक जी कि पाक सर को प्रकार पेन रो ट्रीटमेंट केमती कौन करा जाए आउ पेन क्लिनिक रे बेसिकली को पेन रो ट्रीट करा जाए तो पेन आमर हेड टू टो को जगह भी हो पारे और कोठी भी क्रोनिक पेन हो पारे ठीक अच्छे जमती कि आमर स्टार्ट कले हेडेक जस्ट कही था बहुत लोग मेनली हेडेक बहुत हुए हेडेक भी सिंपल जिनस नुह हेडेक भी बहुत प्रकार हेडेक अच्छे जमी से किसी अच्छी माइग्रेन क्लस्टर हेडेक ये सब जिनस बहुत दिन जाए कंटिन्यूस लगिक रहे ट्रीटमेंट पूरा अलग नॉर्मल हेडेक टू ट्रीटमेंट तार अलग देन आमर किसी अच्छी फेसियल पेन अच्छी फेसियल पेन अच्छे ये गोटे कंडीशन अच्छे आम ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया तो सीटे आम ब्रेन रू जो ट्राइजेमिनल नर्व बाहर की फेस को सप्लाई करे किसी कारण से इरीटेसन होता है बहुत जोर पेन हुए यहाँ बहुत करेन्ट मारा भले पेन हुए ये सब पेन रो ट्रीटमेंट हो पार देन नेक पेन जोटा कि आपड़ जान लें बहुत कमन आजिकल लैपटॉप मोबाइल यूज पेन नेक पेन हो कि देन हाथ को रेडिएट करुच हाथ झिमझिम हो बधरा लगुच ये सब जिन ट्रीटमेंट हुए देन किसी हेडेक अच्छी जोटा कि एक्चुअली हेडेक नुह प्रॉब्लम नेक रे थी सहीटा रेफर हो हेडेक भाया प्रेजेंट करे सहीटा को भी आम डायग्नोज करेक ट्रीटमेंट करने को पड़ो नेक बोन रे देन आमर शोल्डर पेन बहुत कमन शोल्डर पेन डायबेटिक लोकंर बहुत बेसी कमन फ्रोजेन शोल्डर कहूँ आम हाथ रेस्ट्रिक्टेड रहे मूवमेंट कम हुए और मूवमेंट कले पेन हुए शर्ट भी पिंधि पारती लोक तो ये सब पेन रो ट्रीटमेंट हुए टेनिस एल्बो जोटा आम कहते कि अन्य कौन सी भी एल्बो पेन जोटा हो एथलीट्स कर कि जो मैंने भारी जिनस उठाउटी करूस पेन होता है बहुत दिन जाए यह सब जिन सामान्य इंजेक्शन ये सब जिन ठीक हो जाए रिस्ट पेन हो पारे थम पेन हो पारे सीटा भी हो बैक पेन तो आप जान लें बैक पेन नॉर्मल बैक पेन हो पारे देन सियाटिका पेन हो पारे नर्व इनवॉल्वमेंट जो थे हिप जॉइंट पेन हो पारे नी पेन हो पारे नी पेन तो आम बहुत ही कमन देखुं बात आंठु बात जोटा आंठु बात अर्ली स्टेज रे जड़े आसिले बहुत बेनिफिट मिले नॉर्मली लोक बसी बसी पूरा आंठु घोरी गला बंका हो गला आसती जिते बड़े कि बहुत बेसी ऑप्शंस न थाए अर्ली स्टेज रे जदि आम आंठु पेन नहीं आस मैंने सेकेंड ग्रेड ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं आसको पीआरपी विस्को सप्लीमेंट देकर बहुत ही बेटर रिजल्ट हुए आराम से मैंने डिले करहब तर प्रोग्रेशन को देन आउ गोटे आमर बहुत कमन कम्प्लेन थाए मिडिल एज फिमेल्स या ओल्ड एज रे फिमेल्स को गोटे बहुत कमन कम्प्लेन थाए पाद सका उठला तले रखी होने गोईठी पछ कि गोईठी पाद तल बहुत पेन हो झिमझिम हुए ये सब जिनसा भी प्लांटर फैसिलिटीज हो पारे कि किसी किसी एंकल जॉइंट आर्थराइटिस हो पारे प्रॉब्लम हो पारे सब जिन ट्रीटमेंट हो ठीक अच्छे देन इटा ये सब आउट रहा मेन जिन डायबेटिक न्यूरोपैथी जोटा आम कहूँ डायबेटिस 15 वर्ष 20 वर्ष रहा समस्त पेरिफेरल नर्वस एफेक्टेड हो जाए तो हाथ झिमझिम बर्निंग भाया लगे हाथ गोड़ सब एक्सट्रीमिटीज बर्निंग हम यार भी ट्रीटमेंट हो पार सर जो नी पेन कथा कहले बर्तमान देखा जाए ओल्ड एज पर लोक नी पेन हो गए मिडिल एज 30-40 भितर लोक बेसी ही नी पेन हो तो दीजाई कौन सेम ट्रीटमेंट ना दीजा अलग अलग यंग एज रे आम पाखे टी अपन थाए बेस आम पाखे टाइम थाए प्लस आम मेडिसीन देकर ट्राए कर यंग एज रे नॉर्मली आम हिल करने को चेस्टा करवा ठीक अच्छे ओल्ड एज रे पेन किलर गुड़ाक बहुत देवा टी कष्ट हो पड़े ठीक अच्छे यंग एज रे आजिकल एथपाई होम सेडेटरी लाइफ स्टाइल बसी बसी आम रोचे एक्सरसाइज दौड़ादौड़ी किसी कमुन आम जब सका रात जाए बस रोचे गोटे जगार तो ये सब रिजन आग जोटा 60 इयर्स पर आम बात बाहर था आजिकल 35-40 रु इजिली बाहर जाऊँ लोकं तो जब आम फिल करूचे कि पेन हो यंग एज्रे भी आम नेग्लेक्ट न करी जे आम तो यंग अच्छे आम कहीं बात हम एमती न करी स्टार्टिंग रू ही आसिले बहुत बेनिफिट मिले तो पेन क्लिनिक रे केमती कौन चिकित्सा करा जाए फर्स्ट जिन पेन गोटे रोग नुह पेन हूँ लक्षण गोटे अन्य किसी रोग तो पेन जदि आपको हो तो किसी प्रोब्लेम अच्छी फर्स्ट जिनस आम कजटा खोजा
तो पेन क्लिनिक रे आमको आसला पर आमे फर्स्ट तार कॉज खोजु बाय फिजिकल एग्जामिनेशन हो किंबा जदि किसी टेस्ट दरकार हो ब्लड टेस्ट हो किंबा एक्सरे अल्ट्रासाउंड एमआरआई बहुत गुड़ाए मॉडलिटीज अच्छी से सब फर्स्ट जिनस कॉज आम खोजिले नेक्स्ट कॉजटा एस्टाब्लीश हला परे तार ट्रीटमेंट को जीवा जदि पेशेंट किसी पेन मेडिसिन खाऊना ए तो आम नॉर्मली स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रे जाऊ डायरेक्ट इंटरवेंशन को जाऊना के भी जदि पेन मेडिसिन खाऊना तो आम दवा किसी स्टार्टिंग सिंपल पेन मेडिसिन पेशेंट को देखिकी तो सेटा किसी दिन पर दिया हुए नेक्स्ट जिनस जदि से खाई तेल आम आउ किसी ऐड कर पारा आम देखा किसी मेडिसिन कम अच्छी कि आउ किसी ऐड कर पारा तथापि जदि पेशेंट को कम होना देन आम पाखे किसी इंटरवेंशन अच्छी इंटरवेंशन गुड़ा हूँ जमती आमर एग्जांपल दबा आंठू रे पेन हो ठीक अच्छे बात मोस्ट कॉमन कॉज थाए आम आंठू बात धरतु जल्दी से पेशेंट अर्ली स्टेज रे आसी जाइंट देन आम पाखे बहुत गुड़ा मॉडलिटीज अच्छी जमती एवं इंटरवेंशन रे रीजेनरेटिव थेरापी आम ठीक अच्छे तो पेशेंट रो आंठू भितर हेलुरोनिक एसिड किंबा पीआरपी ये सब जिनस दे पेशेंट को जो प्रोग्रेशन थिला ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रोग्रेशन थिला सेटा बहुत कमी जाए ठीक अच्छे पीआरपी विषय में किसी कहीदेवी पीआरपी हूँ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ठीक अच्छे पेशेंट को निजर ब्लड निया जाए आम पाखे मेसीन अच्छे से मेसीन रे प्लेटलेट को अन्य अलग कराए ठीक अच्छे से किसी ग्रोथ फैक्टर्स थाए जोटा कि जो जगह आंठू भितर धरत आम इंजुरी होती इंजुरी ना भी ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन से जो कार्टिलेज थाए से सब वारंटीयर हो जाए तो से जो ग्रोथ फैक्टर अच्छी से बॉडी रो नेचुरल हीलिंग पार्टिकल्स ठीक अच्छे से ही पार्टिकल ही आमर जो वुंड होची से माने ही हील करुछंती तो सेटा आम आंठू भितर देले कौन से हील कर हम तो प्रोग्रेशन टा डिले हो नेक्स्ट पूरा आंठू नष्ट हवा पांच वर्ष पर हेबार थिला एटा हेले स्लो डाउन होकर दस वर्ष पंद्रह वर्ष जाए जन आराम से जापर देन आरतु बैक पेन पेशेंट कथा कहूँ बैक पेन रे गुड़ाए कॉज अच्छी जमी से गोटे कॉज हूँ आमर स्लिप डिस्क जोटा कहते आमर दि भटिब्रा मझे गोटे डिस्क थाए से प्रोलाप्स होकर नर्व को कंप्रेस कर दिए एक्सक्रुसीएटिंग पेन बहुत पेन हुए पेशेंट को स्टार्टिंग रु तो से पेशेंट को आम कौन करूँ तर जो नर्व रूट गुड़ाक बाहरी नर्व बाहर स्पाइनल कॉर्ड रु आम इमेज गाइडेंस से जगह जाइए किसी मेडिसिन दो एंटी इनफ्लामेटरी ड्रग ता संगे लोकल एनेस्थेटिक्स मिसेक दो ठीक अच्छे तो से पेन इमिडिएटली रिलीफ होता है प्लस से कौन एडवांटेज पेशेंट को टी एक्सरसाइज करने को टाइम मिले फिजिओथेरापी को टाइम मिले आउ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस जोटा टी फैसिलिटी भल हम से सब हूँ इंटरवेंशन इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट जोटा जदि जणकर यहाँ भी हो पारुनी कि जनकर क्लीयर इंडिकेसन अच्छे ऑपरेशन दरकार ता छड़ा आमर किसी रेड फ्लैग सैंस अच्छी रेड फ्लैग सैंस हूँ जमी पेसेंटर आमको लगुच फ्राक्चर हो जाए कि ट्यूमर अच्छी इनफेक्शन अच्छी ये सब जिनस इंटरवेंशन कले कि लाभ ना पेसेंट को तो ये पेसेंट्स को आम नेक्स्ट ऑर्थोपेडिशियन कि रेफर करने कथा से पठाई दू सर मोस्टली कोटा कॉमन पेन लोकों को बेसी थाए कंप्लेन आपन पाखु आसती नेक पेन आउ लोअर बैक पेन होची वर्तमान मोस्ट कॉमन मतलब मोबाइल पे बहुत बोधे पेन मोबाइल पे नियाती हवरे मोबाइल पे देखंतु मोबाइल करी करी लोक मोबाइल यूज करी की लोकों को नेक पेन बहुत इजीली होची मोबाइल लैपटॉप यूज करी की देन बहुत टाइम बसिक रहबा को बहुत गुडा जॉब लोक करचंती बसिक रहउचंती देन इवेन आप जानवे मोबाइल टाइप करके थम बेस ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होची बहुत कमन ठीक अच्छे सर आ गोटे जिनस बेले बेले लोक आजिकल सोशल मीडिया रे बहुत किसी जिनस वायरल हो गलानी निज निजर किसी ट्रिटमेंट करके आसी जो बहुत ही कम्प्लिकेटेड हो जाए आपण मानी से बेले बेले हैंडल करवा बहुत कष्ट हो जाए तो से समय कौन ट्रिटमेंट कराए मैंने कौन से इंटरवेंशन करी हुए ऑपरेशन करी हुए ना मेडिसिन रे ट्रिटमेंट कराए करहब इंटरवेंशन करहब मोस्ट कॉमन होची लोकंकर नेग्लिजेंस भूल ट्रीटमेंट नहीं कि से जो रोगटा आमर 10 डेज रे 15 डेज रे कंट्रोल हवा कथा एबे हे कि से 6 मंथ्स हो गला तो सेटा को तापर जहाँ नेक्स्ट मोडालिटी जो मेडिसिन तो खाऊ से मेडिसिन चेंज करवा ना इंटरवेंशन किसी करवा किंबा जदि ऑपरेशन होची ऑपरेशन को पठेबा सर थारे जदि हमें पेन रो ट्रीटमेंट करि देले ताले को नेक्स्ट टाइम पुनी थारे हबार चांसेस अछि चांसेस तो अच्छी चांसेस अच्छी देखो दुटा जिनस आम जो धरतु गोटे जॉइंट भितर इंजेक्शन टे दूचे तार भी गोटे टाइम पीरियड अच्छे एमती नुह गोटे थर दे पूरा लाइफ टाइम सेमती हमने सिक्स मंथ्स टू वन ईयर से रहे
किंतु सी कौन करे सी पेन फ्री टाइम रे आपण बाकी हीलिंग प्रोसेसटा करि परिबे जें एक्सरसाइज फिजियो करि परिबे ए सब जिंस करले जोटा टाइम लागुथला से जिंसटा हील हवा पे इजी हबो ठीक अछि। तो मे बी सही पीरियड भितरे आपण को नेचुरल हीलिंग है कि से जिंसटा ठीक हो जाइते पारे से जिंस भी ऑप्शन अछि। परंतु डायबिटीज अछि हाई बीपी अछि बा हार्ट पेशेंट अछंती सेमन को क्षेत्र रे ट्रीटमेंटटा केमति हे परबो हिंदु मेडिसिन आमे जे पेन किलर्स दो जे स्टार्टिंग रु से पेन किलर्स गुड़ा टिके ए सबू डिजीज रे अवॉइड करबा बेटर बहुत रिलेटिवली सेफर पेन किलर्स भी अछंती किंतु मोस्ट ऑफ द पेन किलर दार साइड इफेक्ट अछि। तो डायबिटिक हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज ए पेशेंट को ही सेटा के अवॉइड करबा दरकार। तो किंतु आमे जो करूछु इंटरवेंशन तार ए लोगन को ऊपर किछि बेसी सेंती इफेक्ट नाही। सर यार कोन साइड इफेक्ट्स किछि अछि गोटे पेशेंट रो सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स केते बेले हुए जेते बेले से मेडिसिन टा ब्लड को जाए आ ब्लड रु अन्य ऑर्गन को जाए से ब्लड रे किडनी को गला से किडनी डिसफंक्शन करिवो कि हार्ट को गला से हार्ट रे आर्टरीज जहाँ भी प्रॉब्लम करिवो किंतु एथी आमे कोन करू पूरा एग्जैक्ट जॉइंट स्पेस रे दोचु ठीक है से भीतर ब्लड सप्लाई बहुत कम। आउ गोटे जिनस कहबी पेन क्लिनिक बाकी ठारु ए जिनस रे डिफरेंट जे आमे सबु जिनस इमेज गाइडेड करूचु ठीक अछि। आम पाखे अच्छे अल्ट्रासाउंड मेसीन धरतु आंठू रे किछि दबार अछि आमे अल्ट्रासाउंड देखुचु एक्जाक्टली को जगह रे हमको ड्रग दबार अछि सेही भितरे ही निजो आखे सामना रे दोचु। फ्लोरोस्कोपी अछि बैक रे स्पाइन रे जहाँ इंजेक्शन दिया होची फ्लोरोस्कोपी अंडर रे आमे एक्जाक्टली कन्फर्म करूचु जे ठीक जगह एटा एठी ही दोचु। तो से जगह रे देला बेले सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन जोटा हुए ब्लड रे जीवा सेटा बहुत कम चांस थाए तो सेथिपई अन्य साइड इफेक्ट बहुत मात्रा रे कमी जाए। ऑपरेशन कौन सर समस्त दरकार ना सेमती स्पेसिफिक एज अछि नै ए मानको ही ऑपरेशन करि हबो ए मानको करि हबनी ऑपरेशन पै निहाती हबे रे तार इंडिकेशंस अछि सब जिंस रे हमरो एक्सट्रीम स्टेज रे ही ऑपरेशन करा जाए अनलेस देयर इज माने जो रेड फ्लैग्स कहथिली जो ट्यूमर टे अछि ट्यूमर टे हेले जते जल्दी हम ऑपरेशन कर दबा भलो किंबा फ्रैक्चर होई छि जदि त सेई ताकु छाडी देले आम देखा 80-90% पेन कंडीशन जोटा अच्छी बिना ऑपरेशन रे हो पार से मेडिसिन हो किंबा फिजियोथेरापी हो किंबा आमर इंटरवेंशन हो सबको मिसेक ये कंजरवेटिव वे कौ कंजरवेटिवली 80% पेसेंट्स हो पार आउ जो 20% रही है तो डेफिनेटली आम भी एडवाइस करूँ जाकि ऑपरेशन कर बेले बेले देखा जाए मेजर कौन से एक्सीडेंट होपर जन जन भू जगह पेन हुए से समय रे आउ सेरा बहुत लॉन्ग टाइम भी हुए लोको मे बी मेडिसिन खाई के ठीक हे जांती देन पूनी थरे सेरा स्टार्ट हे जाए ता पई कोन चिकित्सा रही छी पेन क्लिनिक रे सेटा ही तो क्रोनिक पेन माने स्टार्टिंग रु जदि से जिंसो को ठीक रे एड्रेस करा हे थांदा तो सेटा क्रोनिक पेन को कन्वर्ट हे न थांदा जदि ऑर्थोपेडिक्स किछी माने फ्रैक्चर वैक्चर जिंसो नाही नॉर्मल इंजरी हे जे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी तो से स्टार्टिंग रु भल रे एड्रेस करले सेटा क्रोनिक पेन को हबो नेते जो लॉन्ग टर्म पेन हो सेटा को दरकार हेनी सर कैंसर कथा आपण कहले कैंसर जमी आम पेन क्लिनिक रो चिकित्सा करूचे तो सेटा कौन तक कैंसर रिकवरी करिवारे हेल्प कर और से जो पेन तांकर हुए सेटा कौन लाइफ लॉन्ग से नाक पड़ो ट्रीटमेंट ये जो आम पेन ट्रीटमेंट करूचे कैंसर हिलिंग रे किसी यार रोल ना किंतु यहाँ गोटे पार्ट ऑफ पैलेटिव केयर हूँ एंड ऑफ लाइफ केयर जमीक पेसेंट कर लास्ट टाइमटा जिन तर सफरिंग और पेन टाइम कमेबा आम ठीक अच्छे तो किसी क्वालिटी टाइम से फैमिली सांगे स्पेंड करें निजे पेनलेस रे से टाइमटा तो यहाँ हूँ निहाती जरूरी पेन मैनेजमेंटा किटा मोडालीटीज मुझे जमी आपर एबडोमिनाल अपर एबडोमिनाल कैंसर गैस्ट्रिक कैंसर हो कि गॉल ब्लैडर पैनक्रियाज कैंसर यू बहुत पेनफुल था तो ये सब कंडीशन रे आम सेठी गोटे सिलियाक प्लेक्सस बोली अच्छी नर्व ग्रुप गोटे सी सब सप्लाई से सब सप्लाई आसे पेन सी सप्लाई करे ब्रेन को तो पेन टा जानी पारुचि पेशेंट तो आम पाखे आम इंटरवेंशनली सेटा को नष्ट कर दो से नर्व ग्रुप टा को तो तार आउ किसी साइड इफेक्ट बेसी ना किंतु पेशेंट टा सेथरे बहुत टाइम जाए पेन रिलीफ पाई परिवे छतल कैंसर भलो गेला पर भी कोन जति पिछि कोन से पेन रहुतबो ताले भी कोन डेफिनेटली बहुत गडे अच्छे जेंति एग्जांपल दउची हम ब्रेस्ट कैंसर ऑपरेशन परे ब्रेस्ट रिमूवल हला परे भी जन जन पेशेंट को हाथ रे स्वेलिंग आउ सीवियर पेन रही जाए बुझे तो तार भी ट्रीटमेंट अच्छे जमी आम स्टिलेट गैंग्लियन अच्छी जगह से आम ब्लॉक करले ऑपरेशन परे भी पेशेंट पेन फ्री रही पारे सर सनशाइन हॉस्पिटल रे कौन कौन सब सुविधा रही
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ତଳେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଜିନିଷ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ମିଳିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ପେନ୍ଟା ଖାଲି ଜଣଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ, ପେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏମିତି ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ପେନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ। ଧରନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାଇକିଆଟ୍ରି ହେଲ୍ପ ଦରକାର, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଫିଜିଓଥେରାପି ଦରକାର, ଆଉ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼୍ ଅଛି ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସ ବା ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରୀ ଦରକାର। ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମିତି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତ ଓଭରଅଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିକେ ବେଟର୍ ହୋଇପାରେ। ପ୍ଲସ୍ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ, ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ସେସବୁ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦରକାର, ଆମର ଭଲ ଫ୍ଲୁରୋସ୍କୋପ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଅଛି, PRP ଯେଉଁ ବନାଉଛି ସେଇ ମେସିନ୍ ସବୁ ଅଛି, ତ ପେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଏଠି। ସାର୍, ପେନ୍ କ୍ଲିନିକରେ କେଉଁ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି, ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଟିମ୍ ଅଛି କି ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କର? ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ ମେନଲି ଯିଏ ଡକ୍ଟର ଥାନ୍ତି ସେ ପେନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ ଫିଜିସିଆନ୍ କୁହାଯାଏ। ନର୍ମାଲି ଆନେସ୍ଥେସିଆ ପରେ କରନ୍ତି ପେନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଗଲେ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ସବୁବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍। ତ ପେନ୍ ହେଉଛି ଆନେସ୍ଥେସିଆର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ଆମର ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଟୁ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଡ୍ୟୁରିଂ ଅପରେସନ୍ କିମ୍ବା ଅପରେସନ୍ ପରେ ୟାଙ୍କ ପେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ୱାଇଡ଼୍ ହେଉଛି ଜିନିଷ, ଏବେ ଅପରେସନ୍ କ୍ରୋନିକ୍ ପେନ୍ଟା ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗ ଆନେସ୍ଥେସିଆର ସବ୍ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଥିଲା, ଏବେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ପେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ଉପରେ ଆୱାରନେସ୍ ଟିକେ ରିଲେଟିଭ୍ଲି କମ୍ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ, କୋଲକାତା ଯିବେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଏଠି ଲୋକ ବି ଆୱାର ଅଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ପେନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ଛାଡ଼ିନି, ତ ସେମାନେ ଖୋଜିକି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ସେଠି, ତ ପେନ୍ ଫିଜିସିଆନ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ଦରକାର ସେଇ ଆୱାରନେସ୍ଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଓଡ଼ିଶା ପପୁଲେସନ୍ରେ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ଆମ ପୋଡ଼କାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଆୱାରନେସ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ କି ଏନି ଯଦି ପେନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସିଧା ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ଆସିବେ ଏବଂ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବେ। ସେ ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ପେନ୍ ଫ୍ରି ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ତା କି ମାନେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହେଉ, ଫୁଡ଼୍ ହାବିଟ୍ସରେ ହେଉ, କ'ଣ ଆମେ ଆପଣାଇବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ କି ପେନ୍ ଫ୍ରି ଆମେ ଜୀବନ ଜିଇଁପାରିବା? ପେନ୍ ଫ୍ରି ରହିବାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ଭଲ ଖାଇବା, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଶୋଇବା, ଡେଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ୟୋଗା କରିବା, କିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କ'ଣ କି ଆମର ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଅଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ହେଉ ବା ଯାହା ବି, ସେସବୁ ଆଭଏଡ଼୍ ହୋଇପାରିବ, ସେସବୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆଭଏଡ଼୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ପେନ୍ ହେଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ନହେଲେ ତ ଆହୁରି ଭଲ ଜିନିଷ ନା। ସାର୍, ଯଦି ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ମେସେଜ୍ କ'ଣ ରହିବ? ନିଜ ପେନ୍କୁ କେବେ ବି ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ବି ପେନ୍ ହେଉଛି ତା ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼ ହେଉ। ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏଜ୍ୟୁମ୍ କରିନେବାନି ଯେ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥିବ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି, କାହିଁକି କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପେନ୍ ରହିଲା ପରେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଏ। ପେସେଣ୍ଟ ଖାଲି ସେ ଆମ ଇଞ୍ଜୁରି ନୁହଁ, ତା ସହିତ ବ୍ରେନ୍, ନର୍ଭ ସବୁ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ତା ଭିତରେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, କାହାକୁ ନ ପଚାରି କନସଲ୍ଟ ନ କରିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପେନ୍ କିଲର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ପ୍ଲେନ୍ କିଲର ବୋଲି କହି ଆସିଛେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ତା'ର। ନର୍ମାଲ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷ ହିଁ ଏସବୁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଦେଖେଇକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଶା କରିବି କି ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯେମିତି କହିଲେ ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଆମେ ଆସିବା ଦରକାର, ତା'ର ଆୱେର୍ନେସ୍ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ତାକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ଆପଣ ପେନ୍ ଫ୍ରି ଜିଇଁପାରିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ପାଇଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ସୋ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ବି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ୟେସ୍ ଆମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିବା ହିଁ। ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ ନଥାଏ, ମୋବାଇଲ୍ ବାହାରେ ବି ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ ଅଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ହାବିଟ୍, ଏସବୁ ଚେଞ୍ଜ ସହିତ ବଡ଼ିରେ ଯଦି କୌଣସି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପେନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ବି ପେନ୍ କିଲର୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଉନି, ତାହେଲେ କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପେନ୍କୁ ଆପଣ ଦୂରେଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ସୋ ଆମେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବୁ କି ଏଇ ପୋଡ଼କାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ଭାବରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କନ୍ସଲ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ପେନ୍ ଫ୍ରି କରିବେ।
आशा करिबु कि आपणकर ए जो पॉडकास्ट निश्चित भाव में काम आसिबो आपण एमती देखु थांतु आमर पॉडकास्ट को हेल्दी रुहंतु सुस्थ रुहंतु नमस्कार। सनशाइन हॉस्पिटल्स भुवनेश्वर।